धोनी दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर्स में से एक है। उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताकर देश का मान बढ़ाया। वो जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। यही वजह है कि उनकी पत्नी साक्षी उन पर दिल हार बैठी। लेकिन शादी से पहले धोनी पर सैकड़ों लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 हसीनाओं के बारे में जिन पर धोनी अपना दिल हार बैठे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। एमएस धोनी की पहली गर्लफ्रेंड प्रियंका झा थी। साल 2002 में धोनी 20 साल के थे और भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब प्रियंका उनके कॉन्टेक्ट में आई। धोनी को प्रियंका झा से प्यार हो गया था। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी प्रियंका के साथ गुजारने की ठान ली, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनके पहले प्यार का दुखद अंत। प्रियंका एक हादसे में शिकार हो गई। इस घटना ने धोनी को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दिया, उनका जीवन बदलकर रख दिया। धोनी ने इसके बाद अपनी जिंदगी क्रिकेट के नाम करने का संकल्प लिया। धोनी की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। धोनी की दूसरी गर्लफ्रेंड थी दीपिका पादुकोण। जी हाँ, क्रिकेट में झंडा गाड़ने के बाद धोनी फेमस हो गए। साल 2007 में धोनी ने एक बार यह कबूल किया था कि दीपिका पादुकोण बेहद पसंद है। यह भी बताया जाता है कि धोनी ने ही शाहरुख खान से कहकर ओम शांति ओम फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण की विशेष स्क्रीनिंग करने का अनुरोध किया था। ऐसे भी खबरें हैं कि दीपिका के कहने पर ही धोनी ने अपनी लंबी जुल्फे कटवाई थी। धोनी और दीपिका के रिलेशनशिप की खबरें इसलिए भी परवान चढ़ी क्योंकि दीपिका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में धोनी के लिए चीयर करते देखा गया। हालांकि एक दूसरी लड़की की वजह से यह लव स्टोरी लंबी नहीं चली और दीपिका धोनी से नाराज होकर युवराज सिंह की ओर मुड़ गई। महेंद्र सिंह धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड की लिस्ट में अगला नाम है प्रीति सिमोस का। प्रीति कॉमेडी विद कपिल की क्रिएटिव डायरेक्टर है। बताया जाता है कि जब धोनी दीपिका के साथ रिलेशनशिप में थे तो गुपचुप तरीके से प्रीति को भी डेट कर रहे थे। ऐसे में दीपिका नाराज हो गई। इधर धोनी और प्रीति की लव स्टोरी जारी रही। दोनों को कुछ मौके पर सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा गया, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। बाद में इस लव स्टोरी का भी वही अंजाम हुआ जो बाकी का हुआ। प्रीति के बाद धोनी की जिंदगी में साउथ की फेमस एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने एंट्री की। साल 2009 में लक्ष्मी और एमएस धोनी ने कुछ वक्त के लिए डेटिंग की। ऐसा बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। राय लक्ष्मी यहाँ तक कह चुकी थी धोनी अगर उन्हें प्रपोज करेंगे तो खुशी खुशी उनसे शादी कर लेंगे। हालांकि लक्ष्मी से रिश्ते को लेकर धोनी ने कभी मुंह नहीं खोला। बाद में ये जोड़ी भी टूट गई और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इसके बाद साल 2010 में एमएस धोनी और बॉलीवुड अभिनेत्री आसिम के रोमांस की चर्चाएं सरगर्म रही। यह दोनों एक ही कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए साथ आए और आते चले गए। साल 2010 में आईपीएल के सेमीफाइनल से पहले धोनी को आसिम के घर जाते देखा गया, जिसकी वजह से इस रोमांस ने और ज्यादा सुर्खियां बनी। साल 2011 में आसिम और धोनी को श्रीलंका में एक कार्यक्रम के साथ देखा गया। हालांकि इसे लेकर आसिम ने कहा कि उनका इरादा सिर्फ कैप्टन को बधाई देना था और कुछ नहीं। कहा जाता है कि आसिम से रिश्ता खत्म होने के बाद धोनी की जिंदगी में साक्षी सिंह रावत और फिर दोनों ने शादी कर ली। ऐसे खत्म हुई पूल कैप्टन की जीवन साथी की तलाश। आपको इन सब गर्लफ्रेंड्स में से किसकी जोड़ी धोनी के साथ अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।